101 пехота укрыт. एक तरफ यूक्रेन में कड़ाके की ठंड की मार, वहीं दूसरी तरफ रूस के बाद एक मिसाइल हमले यूक्रेन को दो तरफा दहला रहे हैं। और अब इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन पर बड़े और बेहद ही ताकतवर क्लस्टर बम बरसाए हैं। जिससे यूक्रेनी सेना जमीन पर पोजीशन लेते ही तबाह हो रही है और इन बमों की वजह से यूक्रेन को अच्छा खासा सैन्य नुकसान हो रहा है। दरअसल कुछ रूसी और यूक्रेनी टेलीग्राम चैनलों ने यह दावा किया है कि रूस ने युद्ध में पहली बार यूक्रेन के खिलाफ RBK 500 बमों का इस्तेमाल किया है, जो एक बार में दक्षिणी डोनेट्स में कई धमाके कर रहे हैं और इन बमों की वजह से यूक्रेनी सेना को जानमाल का नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस इन बमों को अपने लड़ाकू जेट Sukhoi-34 से यूक्रेन पर बरसा रहा है। और इन बमों को लेकर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक ड्रोन तीन बड़े धमाकों की एक चेन को दिखा रहा है। रूस के कई टेलीग्राम चैनलों का कहना है कि रूस ने ये हमला दक्षिणी डोनेट्स में सारोमायोको में किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन बमों को UMPC तकनीक से गिराया गया है। FAB 500 M52 पर ग्लाइडिंग और ऑटोमेटिक गाइडेंस किट लगाने से बमों की दुश्मन पर हमला करने की रेंज बढ़ जाती है और उन्हें कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से इस तकनीक से तबाही और ज्यादा व्यापक हो जाती है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि इस हमले में इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सर्दियों में रूस को जंग के मैदान में एक बड़ी सामरिक बढ़त मिल जाती है और इसका फायदा उठाते हुए रूसी सेना FAB 500 बमों को गिरा रही है। ये बम अमेरिका में बने जॉइंट डायरेक्ट अटैक के जैसे ही हैं। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर यूक्रेन के जनरल स्टाफ का कहना है कि रूस ने स्टारोमायोस्के के पास हमला किया था, लेकिन उसे इस हमले में कोई सफलता नहीं मिली है। इसके अलावा 20 नवंबर को रूसी सेना ने कहा था कि उसने यूक्रेन को स्टारोमायोस्के के करीब आसपास के गांवों में पोजीशन लेने से रोक दिया था।